Hello everybody, welcome to An Academy Let's Crack Defense Examinations. I hope you guys are doing good and I hope aapki preparation bhi achhi chal rahi hogi. And sabse pehle apna ritual pura kar dete hain. Please like this video and please share the session with your friends as well taki wo bhi hum log aaj ke is session mein join kar sake. And aaj as we discussed we aapka ACIO IB ka jo hai dates aa chuki hain and your exams are starting from 18th of February. Bahut kam din bache hue hain. तो इसलिए मैंने आप लोग का अभी शुरुआत में 12 बजे की क्लास में आप लोग का क्रैश कोर्स शुरू कराया था, जिसमें CDS और IB दोनों बच्चों की क्रैश कोर्स, इंग्लिश और क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा, राइट. तो 12 बजे वाईफाई सिटी डिफेंस के जो यूट्यूब चैनल है उस पर रोज 12 बजे क्रैश कोर्स शुरू होता है मेरा, जहाँ पे रोज हम लोग एक ना एक टॉपिक उठाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. तो प्लीज आप लोग 12 बजे भी उस सेशन को देख लीजिएगा और यू कैन क्रैक योर CDS, IB, AFCAT, CAPF, ND एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. जस्ट नीड टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. हेलो एवरीबडी, आई एम गार्गी मित्रा. आई हैव बीन इन पर्टिकुलर फील्ड फॉर मोर देन 4 years नाउ एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. यू कैन यूज द कोड गार्गी. इस कोड का इस्तेमाल करें, GARGEE, दैट्स माई नेम. इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट अपने अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे. वन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर यू ऑल, ये जो 10% का डिस्काउंट अभी आप लोग को मिल रहा है ये 1 मार्च से सिर्फ 5% का रह जाएगा. तो फेब्रुअरी लास्ट डेट है, लास्ट मंथ है जब आप लोग को ये 10% डिस्काउंट कम्प्लीटली मिलेगा. तो इट्स बेटर कि आप लोग इस डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाइए, है ना, और फेब्रुअरी में अपने सब्सक्रिप्शन लीजिए, उस कोड का इस्तेमाल करिए. ये कोड आपके थ्रू आउट अन अकेडमी काम करता है. तो अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, इफ एनीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, UPSC, SSC, रेलवेज, कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो इस कोड का इस्तेमाल करके सबको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. ऑलराइट, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आज फिर से थोड़ा सा थ्योरी हम लोग कवर अप करेंगे, कल से हम लोग उसकी LT MT सीरीज पे आ जाएंगे. ये बेसिकली IB जो बच्चे दे रहे हैं, NDA दे रहे हैं, AFCAT और CAPF, नेवी, एयरफोर्स, सब बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है. जिन बच्चों ने इसको डाउनलोड नहीं किया, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन. इससे आप लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं अपने फ़ोन पे मिल जाती है, अपने लैपटॉप पे मिल जाती हैं. ऑलराइट, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स. इसको ज्वाइन करते ही आपको सारी सुविधाएँ जो हैं, सारी PDF फाइल्स एक जगह पर मिल जाती हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अन अकेडमी के बारे में. अन अकेडमी के पास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. बेस्ट एजुकेटर्स टॉपर्स होते हैं. स्पेशल क्लासेस होती है जो कि फ्री की होती है. फ्री में देखने के लिए आप लोग को एक छोटा सा कोड टाइप करना पड़ता है जो कि है गार्गी, GARGEE. जैसे ही आप ये कोड टाइप करते हो वैसे ही आप लोग को स्पेशल क्लासेस फ्री की मिल जाती हैं. और तो और यहाँ पे होता है आपका टेस्ट सीरीज, विच आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी, लर्निंग प्रोसेस. बताते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज रहता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस दिया जाता है. हर कोई आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, लेकिन कोई ये नहीं बताया क्या चीज़ स्किप करनी है. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि हम लोग सही रिसोर्सेज, सही चीज़ पढ़ें. वो चीज़ आपको अन अकेडमी गाइड करती है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर. पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अन अकेडमी में मिलती है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलता है, लैंग्वेज आपकी पसंद की होती है, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके रेगुलर कोचिंग जैसा नहीं होता है. और आप एजुकेटर से वन ऑन वन बातचीत कर सकते हो. कौन सी ऐसी कोचिंग में आप लोग को बार बार क्लासेस लेने को मिली जाती है या फिर आप एजुकेटर से बातचीत कर सकते हो? कहीं पे भी नहीं. सिर्फ अन अकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेटर से बातचीत कर सकते हो. यू हैव इंटरेक्टिव पोल्स और सबसे बड़ी बात है आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने पर भी हो, अन अकेडमी प्लस का प्लेटफॉर्म आपके स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप पर कभी भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. ओके, ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन. आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे उन्होंने कल छोड़ा था. एंड PDF मैंने आप लोग को भेज दी थी ग्रुप पे. जिन बच्चों ने वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा. मैं आप लोग को PDF भेज दूंगी सारी. एंड या शुरू करते हैं आज का सेशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वो होते क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वर्ड मीनिंग्स होती हैं, ठीक है. अगर हम बोलें कि मिसैंथ्रोप का मतलब क्या होता है,
ये होता है, इस चीज का वन वर्ड क्या होता है, मिसैंथ्रोप होता है, देख रहे हो। तो वो चीज एक वर्ड मीनिंग हो जाती है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे हम लोग को अपनी बात कम शब्दों में कहनी होती है। अगर मुझे कहना है कि इस जने को ह्यूमन काइंड अच्छा नहीं लगता, या फिर ही अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, मैं इतना लंबा एक्सप्लेन क्यों करूंगी, सीधे ये बोल दूंगी ना कि वो इंसान मिसैंथ्रोप है, ठीक है। तो अपनी बात कम शब्दों में बोलना और इम्पैक्टफुली बोलना, ठीक है। आप आंसर्स लिखते हो, क्वेश्चन पेपर में जगह कम होती है, वर्ड लिमिट होती है, देन इज द टाइम जब हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काम आते हैं, ठीक है। तो इन सब जगह पे जब हम लोग को बातें अपनी कम शब्दों में बिल्कुल सटीक तरीके से बोलनी होती है, देन वी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यार एक्चुअली योर वर्ड मीनिंग्स ओनली। बट वर्ड्स क्या होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, मतलब एक ऐसा जना जिसको इंसानों से थोड़ी सी चिड़ती होती है और उनको इंसान अच्छे नहीं लगते, इंसान मतलब ह्यूमन काइंड, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी उनको अच्छी नहीं लगती, उसको क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप बोलते हैं, मिसैंथ्रोपी नहीं बोलते, उसको मिसैंथ्रोप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, मतलब जो जना जिसका प्राइमरी मोटिव, सबसे बेसिक मोटिव उसका पैसे कमाना होता है, और वो एथिक्स मतलब अपनी मान मर्यादा या फिर अपनी जो काइंडनेस है, अपनी वर्च्यूज को किनारे रख के सिर्फ पैसे कमाने पे रखता है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं, मर्सिनरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जिसके सामने कोई भी वर्च्यू वर्च्यू कोई मतलब नहीं होता, उसके सामने जो होता है उसका पैसा होता है, ठीक है, उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, चाहे वो अच्छा काम करके पैसा कमाए, चाहे वो बुरा काम करके पैसा कमाए, उसको कोई मतलब नहीं होता। समवन इन लव विद हिमसेल्फ, मतलब जिसको खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। हर एक ग्रुप में हम लोग कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जो सिर्फ हमेशा मैं बोलता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आप लोग को मिले होंगे अपनी लाइफ में, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज अ हॉबी, जिसको सिक्के इकट्ठा करने की आदत होती है, एज अ हॉबी लेकर चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिसमैटिस्ट, न्यूमिसमैटिस्ट। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, एक ऐसा जना जिसको वुमेन अच्छी लगती हैं, एडमायर करता है उनको, उनकी चलने का ढंग, उनके यू नो हर उनके बेसिकली उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनैलिटी, वुमेन की पर्सनैलिटी जो होती है किसी जने को जब अच्छी लगती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलोजिनिस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग फिलोजिनिस्ट बोलते हैं। और एक जना हु हेट्स वुमेन, हु हैज अ डिसलाइक फॉर वुमेन, उसको हम लोग मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। फिलोजिनिस्ट कौन होता है, हु लाइक्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट कौन होता है, हु डिसलाइक्स वुमेन। अ लवर ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोप मतलब अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। मिस मतलब हेट करना, फिलान मतलब क्या होता है, फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब किसी चीज को पसंद करना, उसी तरीके से फिलोजिनिस्ट क्या होता है, जो जना विमेन को पसंद करता है, मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा, जो जना विमेन को हेट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक निकाल लिया कि मिस मतलब हेट करना, फिल मतलब पसंद करना। अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, वी कॉल दैट पर्सन एज पॉलीग्लॉट, ठीक है। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, एक ऐसा इंसान जो अकेले रहता है, सॉलिट्यूड मतलब अकेले में रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, रेक्लूज बोलते हैं, रेक्लूजे नहीं बोलते हैं, उसको रेक्लूज बोलते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी जिसको होती है, उसको हम लोग सोमनैम्ब्यूलिस्ट बोलते हैं, सोमनैम्ब्यूलिस्ट, ठीक है। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं होता, अगर साफ शब्दों में हिंदी शब्दों में इसको बोला जाए, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता टू द पेन्स, दुख दर्द है ना, और दुख खुशी दुनिया की लाइफ की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, STOIC, स्टोइक। ये बिल्कुल नया वर्ड है, नई मीनिंग है, एंड ये जनरली आपको इस अपने नॉर्मल वेज में, नॉर्मल लाइफ में सुनने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अ स्कोल्डिंग नागिंग बैड टेम्पर्ड वुमेन,
स्कोल्डिंग मतलब एक ऐसी विमेन जो बहुत चिड़चिड़ाई रहती है, हर जने पे गुस्सा करती है, चीखती चिल्लाती रहती है, उस विमेन को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मागेंट बोलते हैं। वी कॉल दैट विमेन एज टर्मागेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे विमेन की बात हो रही है, मैन की नहीं। एक ऐसी विमेन जो सब पे चिल्लाती चीखती रहती है, डांटती रहती है सबको, है ना, तो हम लोग टर्मागेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु शोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ। कोई ऐसा इंसान जिसको अपनी बीवी से, अपनी धर्म पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्सोरियस बोलते हैं। कॉल दैट पर्सन एज अक्सोरियस, UXORIOUS। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोग को ये PDF दे दूंगी। कल से हम लोग LTMT, कल तो हम लोग वो करेंगे, कल हम लोग जनरली शायद AFCAT का पेपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर का पेपर, ठीक है? रात में 8 बजे AFCAT का लास्ट ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, एंड परसों फिर हम लोग IB का लास्ट ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लास्ट ईयर पेपर्स में आई नो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो वील हैव अ क्विक लुक ओवर IB एंड AFCAT का लास्ट ईयर पेपर्स, देन वी कैन मूव अहेड टू LTMT सीरीज, है ना? एंड आई शेयर यू गाइज दी लिंक टू माई प्ले लिस्ट ऑल्सो, तो ताकि आप लोग उस प्ले लिस्ट में ढूंढ पाओ। कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो, कोई भी सेशन समझना हो, कुछ भी करना हो, तो आप उस वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते, ठीक है? वन हु पोजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड। एक ऐसा जना जिसको आर्ट या किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी मतलब उसके त्रिम पेच जो होते हैं उसका बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुओसो बोलते हैं, वर्चुओसो, ठीक है? ऑल्सो ये सारी PDF आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेगा इस वीडियो का, ठीक है? वहां पे देखिएगा टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा आपको, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आप उसको फॉलो करेंगे आपको सारी PDF फाइल एक जगह पे मिल जाएंगी। चलिए अभी तक हम देख रहे थे कि किस इंसान को क्या बोलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, कि इफ दिस इज द पर्टिकुलर फ्रेज, तब उस जने को हम लोग क्या बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं कि कलेक्शन ग्रुप, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस कलेक्शन, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है? और इसमें हम लोग साथ एक एग्जाम्पल भी जुड़े हुए हैं। फर्स्ट पे आते हैं, जो फर्स्ट वर्ड इज बेल, BALE। देखिए वन वर्ड सब्सक्रिप्शन जैसे आप करते जाएंगे तो उसमें आपको स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन इतने सिमिलर होते हैं दैट यू फील लाइक कि ये तो सुना सुना लग रहा है, ये तो कहीं वो नहीं है। एक बेल क्या होता है? BAIL, जो जेल में कैदी को मिलती है जब वो रिहा हो जाता है, ये बेल होती है। एक कौन सा बेल है? BALE है। इस बेल क्या होता है? अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज का बंडल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अ बेल ऑफ शुगर केन, शुगर केन की जो लकड़ियां होती हैं उसका पूरा गठरी, उसकी पूरी बंडल, उसको हम लोग बेल बोलेंगे। आई सैट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, गेहूं का बेल होगा, क्योंकि गेहूं क्या होता है, जो लंबी लंबी डंडियां होती हैं उनको साथ में रख के बांध दिया जाता है ना, तो क्या होता है, वो बेल बन जाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बेवी, BEVY। बेवी क्या होता है? अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, एक ही सामान के लोगों की बहुत बड़ी गैदरिंग, उसको हम लोग बेवी बोलते हैं। एग्जाम्पल अ बेवी ऑफ ब्यूरोक्रैट्स, ब्यूरोक्रैट्स कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट चलाते हैं, इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है? थर्ड वर्ड हम देते हैं बुके, सबको पता है बुके क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, दैट इज यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट। आप लोग बुके क्या, तो फूलों का गुलदस्ता, ईजी। फोर्थ आता है आपका टॉरेंट, टॉरेंट अगर हम लोग हिंदी में समझे तो टॉरेंट क्या होता है? बहुत तेज नदी की या किसी भी पानी की धारा, टॉरेंट मतलब धारा, ठीक है? चाहे वो पानी की आपकी रिवर की हो, स्ट्रीम की हो, या फिर आप किसी भी लिक्विड की, आप धारा को हम लोग टॉरेंट बोलते हैं। अ फास्ट सॉरी अ स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। एग्जाम्पल शी फेस्ड द विंडोज वॉचिंग द टॉरेंट आउटसाइड, बाहर जो स्ट्रीम चल रही थी, बाहर जो नदी बह रही थी इतनी तेज स्पीड में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉरेंट बोलते हैं। तो वो उस नदी को देखते हुए अपनी खिड़की के बगल में बैठ गई, ठीक है?
नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ब्रूड, और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूड, BROOD. ब्रूड क्या होता है? अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, बहुत ही यंग एनिमल्स की फैमिली. फैमिली क्या होता है? जब यंग एनिमल्स साथ में रहने लगते हैं. एग्जाम्पल, द ब्लैक बर्ड फ्लू बैक एंड फोर्थ टू इट्स ब्रूड. मतलब ब्लैक बर्ड एक बर्ड होती है, टाइप की बर्ड होती है. ब्लैक बैक एंड फोर्थ मतलब आ जा रही थी बार बार अपनी फैमिली के पास से. फॉर एग्जाम्पल, उसका एक जगह पे अपना नेस्ट बनाया हुआ है, उसकी फैमिली वहाँ पर, उसकी कम्युनिटी रहती है. हर एक जानवर की, हर एक एनिमल की, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी होती है. जान मतलब हम लोग जाने ना जाने हर एक चीज़ की कम्युनिटी होती है. चाहे वो आप चींटियाँ लीजिए, चाहे आप जानवर लीजिए, चाहे आप चिड़ियाँ लीजिए, ठीक है. तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो लोग अपनी फैमिली मान लेते हैं. तो क्या लिखा है इसमें? द ब्लैक बर्ड फ्लू बैक एंड फोर्थ, मतलब बार बार आ जा रही थी अपनी फैमिली के पास से. नेक्स्ट वर्ड इज कैश. तो कैश पे नहीं बोलते, सो कैश बोलते हैं, जस्ट एज योर कैश, पैसे वाला कैश, CASH इसका प्रोनाउंसिएशन होता है. स्पेलिंग इसकी होती है CACHE. अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस. ऐसी चीजें जो बहुत ही सीक्रेट जगह पे छुपाई गई होती हैं, ठीक है. अब कैश आपको कहाँ मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप है, आपका फोन है. तो काफी बार हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में कुछ एरर फाइल्स, कुछ ऐसी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स आ जाती हैं वेबसाइट्स के थ्रू. जो हम लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो हर एक वेबसाइट की बेसिकली समझ लीजिए एक अपना डस्टबिन होता है, ठीक है. उस डस्टबिन का कुछ कूड़ा वो हमारे लैपटॉप में, हमारे फ़ोन में डाल के चला जाता है. जब भी वो हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, वो कूड़ा बनते बनते कैश का फॉर्म ले लेता है, ठीक है. उस कूड़े को हम लोग कैश बोलते हैं. तो क्या होता है, कैश आपको सबसे सामने दिखेगा भी नहीं. कैश क्या होता है? छुपा हुआ रहता है हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन्स में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे कूड़ा है. एग्जाम्पल, द टेक्नीशियन आस्क्ड अस टू डिलीट द कैश ऑन अ सिस्टम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है. नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कैरेवान. नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या आता है? कैरेवान. कैरेवान क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर. एक ऐसा लोगों का ग्रुप, जो जनरली व्हीकल्स के साथ, अपनी व्हीकल्स जिस गाड़ी में वो लोग ट्रैवल करते हैं, और कुछ जानवरों के साथ, फॉर एग्जाम्पल बकरी पाल ली, या फिर कोई कुत्ते पाल लिए, कोई बिल्ली पाल ली, ठीक है. अब वो लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनका कोई पक्का कोई घर नहीं होता, उसको हम लोग कैरेवान बोलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल, द नोमैड्स ट्रैवल्ड एज कैरेवान फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द नोमैड्स ट्रैवल्ड एज कैरेवान फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कॉकस. और नेक्स्ट वर्ड इज कॉकस, CAUCUS. कॉकस क्या होता है? अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग. कोई ऐसी पॉलिटिकल मीट, क्लोज मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ गिनती के लोग रहते हैं, उनके जान पहचान के ही एक लोग रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉकस, ठीक है. तो बेस्ट फ्रेंड का कॉकस क्या होगा? कॉकस वो तो नहीं होता, कॉकस बेसिकली आपका पॉलिटिकल मीटिंग होती है. तो बेसिकली समझ लीजिए कि कोई पॉलिटिशियंस, ठीक है, या फिर कोई मिनिस्टर्स, जो बेसिकली उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है कि ये हमारी पर्टिकुलर इतने लोग हैं, एक लिस्ट बनी हुई है, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, जो उस कैबिनेट में काम करते हैं, उस ऑफिस में काम करते हैं, उनकी, सिर्फ उनकी मेन मेंबर्स की मीटिंग को हम लोग कॉकस बोलते हैं. Example, practically they are selected by caucuses of the majority and minority parties. Okay? All right. Next word we have is click. Clicky नहीं होगा इसका pronunciation, क्या होगा? Click होगा, CLIQUE. Click क्या होता है? An exclusive circle of people with a common purpose. एक ऐसा सर्कल ऑफ पीपल, एक ऐसा लोगों का ग्रुप जिनका पर्पस जो होता है, जिनका मकसद कॉमन होता है, ठीक है. एग्जांपल, द क्लिक फॉर द डोनेशन ड्राइव वाज रेडी विद द रिसोर्सेज. इनका कॉमन पर्पस क्या है? डोनेशन. इनका कॉमन पर्पस क्या है? क्लिक क्या होता है? ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका कॉमन पर्पस होता है, एक जैसा, एक समान उद्देश्य होता है. इनका यहाँ पे उद्देश्य क्या है? डोनेशन इनका उद्देश्य है. क्लैक क्या होता है? CLAQUE.
क्लार्क इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर टू अपलॉड एट अ परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा, आप लोग देखते होंगे, जैसे क्या नाम है उसका, कॉमेडियन कौन सा है वो, कपिल शर्मा है ना। कपिल शर्मा अपना शो करते तो पीछे बहुत तालियां बजती है। आप लोग सोचते होंगे सबको एक साथ हंसी कैसे आ रही है, अब क्या कुछ कुछ जोक्स पे आपको खुद ही हंसी नहीं आती, आप उनसे सबको एक साथ कैसे हंसी आती, सबको एक साथ कैसे लोग ताली बजा लेते हैं, अब कैसे पता चलता है कि अभी ताली बजानी है। वो लोग एकदम से नहीं होता है, उनको ट्रेन करके बैठाया जाता है वहां पे, उसको बोलते हैं लोग क्लैक। वो वैसे फॉलोअर्स होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो बैठाए जाते हैं कि बेटा तुमको इस समय ऐसे समय पे ताली बजानी है, ठीक है, उनको पैसे देकर ताली बजाई जाती है। एग्जाम्पल, नो वंडर द लाउडेस्ट अपलॉज केम फ्रॉम दी क्लैक, मतलब सबसे तेज ताली तो हमारे पेड फॉलोअर्स ने ही बढ़ाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं, हमारे जो तारे होते हैं उनकी सीरीज जो होती है, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर कंटेन्स द स्टार्स ऑफ द बिग डिपर। जो हमारा कॉन्स्टिलेशन है अर्सा मेजर, जो हम लोग को दिखता है आसमान से, वो अर्सा मेजर है, कंटेन्स द स्टार्स ऑफ बिग डिपर। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कॉटेज, CORTEGE। कॉटेज क्या होता है, फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जो कोई ना इंसान मर जाता है तो प्रोसेशन निकलता है, उसकी एक अंतिम यात्रा निकलती है, उस चीज को हम लोग कॉटेज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हंड्रेड ऑफ पीपल अटेंडेड एंड फॉलोड द कॉटेज ऑफ द लीडर ऑफ द यूनियन। काफी लोगों ने उसके जो लीडर ऑफ द यूनियन की जो कॉटेज फ्यूनरल प्रोसेशन निकल रहा था, उसकी काफी लोगों ने फ्यूनरल प्रोसेशन या फिर कॉटेज अटेंड किया, ठीक है। ऑल्सो बच्चा लोग, ये आपके पक्के इसी तभी होंगे जब वेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली लैंग्वेज। अनटिल अनलेस यू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली लैंग्वेज, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव अ ग्रिप ओवर दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आप लोग को आज PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगी, एंड देन यू कैन लुक एट इट एंड सब कुछ कर सकते हो, बट स्टिल यू नीड टू हैव अ ग्रिप ओवर इट, ठीक है। मैं आप लोग को अभी PDF फाइल प्रोवाइड करा देती हूँ, ग्रुप पे भेज देती हूँ मैं अभी। एंड या कोई दिक्कत हो किसी भी वर्ड में, किसी भी वन वर्ड में दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में मीनिंग में दिक्कत हो, मुझसे फील फ्री टू आस्क मी इन दी ग्रुप, इंग्लिश बाय गार्गी टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग, ENGLISH, इंग्लिश बाय गार्गी GARGEE। और तो और प्लीज़ फॉलो वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स का जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपकी सारी PDF फाइल उस पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम 24/7, आप लोग मुझसे उस ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, आई गेस मैं अपना जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करूंगी, एंड प्लीज़ यूज़ द कोड गार्गी GARGEE। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट अपने अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, हम लोग कल मिलते हैं 12 बजे फिर से। कल हम लोग करेंगे आर्टिकल्स पे बातचीत, आपके ACIO IB जो आपका एग्ज़ाम होने वाला 18 तारीख को, और AFCAT, ये दो एग्ज़ाम सबसे पहले हम लोग के सामने हैं। इन दोनों एग्ज़ाम की हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं सुबह सुबह 12 बजे, दोपहर में 12 बजे इनफैक्ट, आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस के चैनल पे, ठीक है। तो उस पर आ जाइएगा, आप लोग को 12 बजे आर्टिकल्स पर हम लोग बातचीत करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, और 9 बजे, यस 9 बजे आप लोग का एरर स्पॉटिंग का क्लास होने वाला है उस पर, अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास पे, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को मैं वो लिंक भेज दूंगी, लिंक ज्वाइन कर लेंगे आप लोग तो आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।